हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको बैक हुक और अस्तर वाला ब्लाउज। तो चलिए फ्रेंड देखिए, अब ये है मेरे पास अस्तर और ये ब्लाउज का कपड़ा है। ये जो खुली वाली साइड दिख रही है, स्त्री को ऐसे खींचते हुए कपड़े को ऊपर की साइड ले जाना है। यह मेरा पीछे के साइड वाला कपड़ा होगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें ब्लाउज की लंबाई आएगी 13 इंच तैयार। तो हमें 14 इंच मार्जिन लेना होगा, जो कि 13 इंच तैयार और 1 इंच मार्जिन। तो 14 इंच हमारा तैयार हो जाएगा ब्लाउज। अब इसको यहाँ से पकड़ते हुए, ये जो ज्वाइंट दिख रहा है, यहाँ से पकड़ते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमें इतना ही फोल्ड करना है जो कि हमारा सीने का निशान लग जाए और बाकी 4 या 3 आंगल कपड़ा साइड में बच जाए। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले कपड़े का अंदाज लगा लेते हैं। इसमें चेस्ट का नाप होगा 32 इंच, 32 इंच का 1/4 भाग होगा 8 इंच। अब देखिए फ्रेंड, ऊपर वाली साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा तीरा आएगा इसमें 5 इंच का, और ये आर्मोल आएगा हमारा 5.5 इंच का, और ये जो लाइन है इसको सीधे इस तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये जो मैंने आर्मोल का निशान लगाया है 5.5 इंच का, ये अगर आप 6 इंच का, 6.5 इंच का लगाओगे तो ये मुड़ा है, जो मुड़ा बोलते हैं, ये थोड़ा नीचे की तरफ से आ जाए तो फिटिंग अपनी अच्छे से नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड, इसीलिए मैंने यहाँ पर 5.5 इंच का आर्मोल लगा लिया है। और ये जो कोना है इसको 1.5 इंच से घुमाव लगा देंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से घुमाव देते हुए इसको इस लाइन में टच कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, हमें यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट है हमारे इसमें 32 इंच, तो 32 इंच का 1/4 भाग होगा इसका 8 इंच। देखिए फ्रेंड, ये मैंने 32 इंच का निशान लगा दिया है यहाँ पर, और इसका 1/4 भाग 8 इंच हो गया है। और ये मैंने मार्जिन कपड़ा ले लिया है, चाहे 3 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कमर आएगी हमारी इसमें 23 इंच, तो इसका 1/4 भाग होगा चाहे 7.5, तो ये भी फ्रेंड 1/4 भाग आएगा, और यहाँ पर 2.5 इंच निशान मार्जिन होगा। अब देखिए फ्रेंड, ये पीछे वाला पार्ट है और ये आगे वाला है, और ये मैंने यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा मार्जिन रखना है जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब ये लाइन सीधी लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा ब्लाउज का नाप सही तरीके से लग गया है। ये हमारा तीरा है 5 इंच का, और यहाँ से यहाँ तक आर्मोल ले लिया है मैंने 5.5 इंच के, और ये हमारे चेस्ट है, ये कमर है, और ये कपड़ा पीछे वाला है, और ये जो फोल्ड कर रखा है थोड़ा बड़ा, तो ये आगे वाला कपड़ा है। तो चलिए फ्रेंड, इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास ये जो कपड़ा है इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये खुली साइड है और ये बंद वाली साइड है, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, मैंने जो आर्मोल लिए थे 5.5 इंच, तो इसमें 3 इंच मार्जिन रखना होगा जो कि लगाते वक्त बाजू को ये कपड़ा कम नहीं पड़े। तो ये ले लिया है मैंने 9 इंच का, 9 इंच, 10 इंच, जो भी फालतू रख सकते हैं, तो आगे कट जाएगा फालतू कपड़ा। अब देखिए फ्रेंड, बाजू की लंबाई है हमारी तैयार 4 इंच की, तो मैंने ले लिया है 5 इंच तैयार, और ये वाला भी 5 इंच तैयार लेते हुए यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा देंगे। ये वाली साइड आर्मोल वाली साइड है, और ये वाली हमारी बाजू वाली साइड है। तो देखिए फ्रेंड, ये जो लाइन है इसको इस तरीके से लाइन मिला लेंगे इसमें। अब यहाँ से मैंने गुलाई सेप दे देनी, यहाँ से बाहर से लेते हुए इस तरीके से यहाँ पर टच कर लेंगे, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखिए फ्रेंड, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बाजू तैयार हो गया कट के, इसको सेट कर लेंगे। ये भी ठीक उसी प्रकार कटेगा जो हमने अस्तर निकाला था यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड, ये जो अस्तर का पीछे वाला भाग है, ये 13 इंच तैयार था और 1 इंच मार्जिन लिया, तो 14 इंच का होगा ये वाला। यहाँ से यहाँ तक 14 इंच की लंबाई है पीछे वाला पार्ट की, तो ये भी हमें 14 इंच ही लेना होगा। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक 14 इंच का हो गया है। अब इस कपड़े को हमें फोल्ड कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड, ये कपड़ा यहाँ से और यहाँ तक नेप लेंगे, 11 हमारे 11.5 इंच का टोटल।
तो इसमें यहाँ से और यहाँ तक 11.5 इंच का निशान लगा लेंगे, जो कि हमें यहाँ पर फोल्ड करना है। तो इसको इस तरीके से पकड़ते, अब ये जो मैंने अस्तर का कपड़ा काट रखा है इसको इसी तरीके से ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, आगे पीछे का कपड़ा हमारा कट गया है। अब ये जो कपड़ा है इसको यहाँ से अलग कर लेंगे। इसमें भी अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये कपड़ा पीछे वाला है और ये आगे वाला है, तो आगे वाला कपड़ा को साइड में रख देंगे। पीछे वाला जो कपड़ा है यहाँ पर इसका हमें गला काटना है, और इसमें ये वाला है पीछे वाला पार्ट और ये आगे वाला है, तो दोनों को साइड में रख लेंगे और इसको इस तरीके से सेट करते हुए गला की कटिंग कर लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड, गला की चौड़ाई आएगी हमारी 2 इंच, लंबाई 8 इंच रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ से यहाँ तक 8 इंच का निशान लगा लिया है मैंने, और यहाँ पर 1 इंच कपड़ा मार्जिन रखा है, जो कि मैंने थोड़ी यहाँ से गुलाई शेप देते हुए गला बनाना है, थोड़ा हल्का डिजाइन देते हुए, और यहाँ पर टच कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा है इसको इस तरीके से ऊपर रख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, गले की कटिंग कर लेंगे। अब इसमें ये जो बंद भाग है यहाँ पर हमें कटिंग कर लेंगे दोनों कपड़ों की। ये आगे वाला पार्ट है, इसमें भी हमें 2 इंच चौड़ाई लेनी है गले की, और लंबाई आप 6 इंच भी रख सकते हैं, 6.5 भी रख सकते हैं, और 7 इंच भी रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच का निशान लगा लिया है इस तरीके से, और लंबाई है इसकी 13 इंच तैयार। तो मैं 14 इंच कपड़ा ले रही हूँ, जो कि 1/2 इंच ऊपर जाएगा और 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्जिन होना चाहिए, और ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, इस सिलाई में चला जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, मैंने सेंटर का निशान लगाना है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये जो तीरा का निशान है इसका बीच में निशान लगा लेना है। 8.5 इंच का सेंटर आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से और यहाँ तक मैंने ये दूरी दे दी है 5 इंच की, ये कि अगर आप 4 इंच रख सकते हैं तो ये पट्टी बीचों बीच आएगी, तो ब्लाउज बिल्कुल सेट नहीं होगा। ये वाला निशान जितना नीचे की तरफ होगा उतना ही ब्लाउज अच्छी तरीके से जचेगा। तो देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पर है 2.5 इंच का, और ये मैंने यहाँ पर रख दिया 1.5 इंच का। अब इस लाइन को यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये निशान लगेगा हमारा 1.5 इंच, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक मैंने 1.5 इंच की दूरी छोड़ दी है, और ये लाइन यहाँ से सीधी लगा लेंगे, और ये भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए ये लाइन सीधी लग जाएगी हमारी। अब देखिए फ्रेंड, इसमें 4 प्लेट नहीं घेर, मैं इसमें 2 प्लेट ही डाल रही हूँ, जो कि सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे, और ये हमारा तीरा कट जाएगा और ये हमारा भाग बंद रहेगा। अब ये प्लेट, ये कपड़ा उठेगा सिलते समय थोड़ा फालतू, और ये वाला हल्का हल्का कपड़ा उठेगा इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, ये तो सिलाई करते समय हल्का कपड़ा उठेगा यहाँ से, और ये थोड़ा ज़्यादा उठेगा, बाकी यहाँ पर फिटिंग शेप दे देनी हमें। अब देखिए फ्रेंड, ये जो यहाँ पर सिलाई लगा इस तरीके से टच करते हुए यहाँ पर मिला लेंगे इस तरीके से, और ये जो तीरा है यहाँ पर यहाँ तक इसको 1/2 इंच यहाँ पर गुलाई लगा देनी है, जो कि हमारा तीरा खूब अच्छी तरीके से जच जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने निशान लगा दिया है, अब इसको साइड में रखना है। अब ये हमारा ब्लाउज वाला कपड़ा है आगे वाला। अब देखिए फ्रेंड, ये जो कटा हुआ भाग है इसको इस तरीके से ऊपर रख लेंगे,
और इसको यहाँ से अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये दोनों पट्टी सेम हो गई हमारी, इसको साइड में रख लेंगे। अब हमें यहाँ पर गुलाई दे देनी है। देखिए फ्रेंड, ये आगे वाला कपड़ा है इसको अलग रख लेंगे, और ये जो अस्तर वाला कपड़ा है इसमें दोनों तरफ से सेम निशान लगा लेंगे। ये जो हमारा निशान दिख रहा है यहाँ से पकड़ते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे दोनों साइड से। और ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ऐसे दबाव देते हुए ऐसे कपड़े को खींच लेंगे जो कि निशान नीचे की तरफ भी आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये दोनों निशान हमारा आ चुका है। इसको इस तरीके से डॉट लगा के सीधा निशान लगा लेंगे और इस तरीके से डैश डैश कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये सिलाई इस तरीके से लग जाएगी और ये हमारा कपड़ा यहाँ से इस तरीके से उठ जाएगा सिलते समय, ये कम उठेगा। देखिए फ्रेंड, आगे का कपड़ा हमारा तैयार हो गया है। ये हमारी बाजू है, अब हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे चार भागों में। अब देखिए, ये जो कपड़ा दिख रहा है ये छोटा बड़ा, ये आगे से कट जाएगा और इस बाजू को यहाँ पर रखते हुए बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारी बाजू का कपड़ा तैयार हो गया है दोनों बाजू कट के। अब मेरे पास ये फैब्रिक कपड़ा बचा है, इसमें हमें डोरी निकालेंगे और पाइपिंग निकालेंगे। देखिए इसमें हमारी दो डोरी बन जाएंगी, बहुत इसका कपड़ा सीधा निकालेंगे। और ये वाला कपड़ा हमें तिरछा निकालना है। देखिए फ्रेंड, एक से पांच पट्टी मैंने काट ली है, पट्टी हमारी कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मेरे पास ये जो कपड़ा है इसमें पीछे वाली पट्टी कटेगी, जो हुक वाली पट्टी है वो एक पट्टी थोड़ी चौड़ी कटेगी, एक थोड़ी सकड़ी कटेगी, और ये इसका ऊपर वाला कपड़ा कटेगा। ये भी इसी तरीके से एक थोड़ी चौड़ी कटेगी और एक थोड़ी सकड़ी कटेगी। अब देखिए फ्रेंड, ब्लाउज कट के हमारा तैयार हो गया है। इसको अगले वीडियो में आपको सिल के दिखाऊंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करो। धन्यवाद।